हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे मॉर्निंग का सेगमेंट मॉर्निंग स्पोर्ट न्यूज़ लेके मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, ऋषभ पंत का सर्जरी के बाद पहली बार रिएक्शन का खुल के सामने आया है। उन दो हीरो के नाम बताया, उन्होंने खुलासा किया, जो उनकी जान बचाई, जिन्होंने एक्सीडेंट के समय उन्हें अपने अस्पताल तक पहुँचाया, उस पर बात करेंगे। बाबर आजम का निजी तौर पर वीडियो और चैट लीक हो गया है, उस पर हम लेके बात करेंगे। उसके बाद देखिए, वुमेन्स IPL लेके काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। वहीं हम आगे बात करते हैं, गौतम गंभीर ने विराट कोहली काफ़ी बड़ी टिप्पणी की है, उस पर हम बात। पहले बात करते हैं बाबर आजम की। देखिए, बाबर आजम का भारतीय न्यूज एजेंसी IANS द्वारा यह बताया गया है कि बाबर आजम का निजी तौर पर वीडियो और चैट लीक हो गया है, वायरल हो गया है। अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए इस तरह की चीजें लीक हुई है। देखिए, इसके अलावा भारतीय न्यूज एजेंसी कुछ और मीडिया रिपोर्ट की तरफ से भी यह खबरें आई है कि बाबर आजम का निजी तौर पर जो अपनी गर्लफ्रेंड के अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करते हुए वीडियो और चैट वायरल हुआ है। इस तरह की निजी तौर पर जो प्राइवेट वीडियो होते हैं, प्राइवेट आदमी काम करता है, जो भी करता है, उसको लेके चीजें वायरल हुई है। और ये चीज जो पहला बार जो ये रिएक्शन आया है, ईशा गुप्ता इंस्टाग्राम अकाउंट से आया है, जिसमें केवल दो लोगों को फॉलो किया गया है, 500 फॉलोअर्स उसमें है। अकाउंट तो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन पहला जो वीडियो वहां दिखाया गया है, जो फोटो डाली गई है, ईशा गुप्ता नाम से ही डाली गई है इंस्टाग्राम पर। तो ये इसमें इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाबर आजम की तरफ अभी तक कोई भी रिएक्शन उस पर नहीं आया अभी तक। लेकिन ये चीज जो होती है, थोड़ा सा मतलब कि लगता है मुझे कि किसी के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई होप देखिए क्या होता है आगे, वो तो बाद होगी उस पर। वुमेन्स IPL को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि वुमेन्स IPL की जो राइट है, जो टीवी राइट है, जो डिजिटल राइट है, रिलायंस की ही ब्रॉडकास्ट कंपनी है बॉय कॉमेटी, उन्होंने खरीद लिया है। 951 करोड़ रुपये BCCI को देगी और हर मैच के लिए 7.09 करोड़ रुपये देगी बायोकॉम। तो ये बायोकॉम को बहुत बहुत बधाई, जैसा ने BCCI ने भी उनको काफ़ी बधाइयाँ दी है। और इसी तरह का जो वुमेन्स IPL है, इससे काफ़ी इंकरेज मिलेगा वुमेन्स को, महिलाओं को इंकरेज मिलेगा, मोटिवेट होंगी उससे, और ज़्यादा मतलब कि स्पोर्ट में आने का संभावना बढ़ेगी उससे। तीसरी बड़ी खबर आते हैं ऋषभ पंत को लेकर, जो मेन खबर देखिए, ऋषभ पंत ने इस सर्जरी के बाद अपनी पहली बार अपना एक पोस्ट, एक रिएक्शन डाला, उस पर उन्होंने सभी को धन्यवाद कहा, डॉक्टर्स, टीममेट, जो भी उनके इर्द गिर्द इन्वॉल्व थे, उन सभी को धन्यवाद कहा। आगे उन्होंने कहा कि जो मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो कंप्लीट हो चुकी है, मैं रिकवरी के लिए पूरी तरह चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ, किस तरह मुझे रिहेव करना है उसके लिए पूरी तरह से मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, पूरी तरह से मैं तैयार हूँ। आगे उन्होंने रजत और निशु का नाम लिया, जो दो ऐसे इंसान जिन्होंने उनकी जान बचाई, जिन्होंने उन्हें एक्सीडेंट के समय अस्पताल तक पहुंचाया, पूरा काम किया, उनकी जान बचाई, उस मुश्किल दौर में उनको उनकी सहायता की, तो उनका बहुत ही दिल से धन्यवाद दिया। आगे उन्होंने लिखा कि मैं आपका भारी रहूँगा जीवन भर, मैं आपका ऋणी रहूँगा, मैं सबका धन्यवाद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पार्टिकुलर दो इंसान धन्यवाद करता हूँ, रजत और निशु, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, मैं हमेशा उनका भारी रहूँगा। और उनके साथ एक वीडियो, एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें उनकी माँ है ऋषभ पंत की, दो इंसान है, रजत निशु और ऋषभ पंत बेड पे लेटे हुए हैं, उस बात मतलब कि रेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह के जो पोस्ट है वो वायरल हुआ है। आगे हम बात करते हैं गौतम गंभीर ने विराट कोहली क्या कहा। देखिए, विराट कोहली लास्ट मुकाबले में शानदार सेंचुरी लगाए थे, 166 रन की शानदार, बेहतरीन और कमाल की पारी खेली है, उसको लेकर गौतम गंभीर ने कहा कि विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है, मुझे लगता है विराट कोहली के अलावा एक बड़ा नाम था मोहम्मद सिराज, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे पिच पर उसने विकेट निकाली जहाँ पर बल्लेबाज के लिए काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अवसर था रन बनाने का, अगर उस पर मोहम्मद सिराज विकेट निकाले हैं तो उनको मैन ऑफ द सीरीज मिलना चाहिए, और शानदार प्रदर्शन रहा है तीनों मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली के साथ साझा मैन ऑफ द सीरीज दे सकते हैं सिराज को लेकर। देखिए, मुझे इस सब चीज़ों को मतलब कि नहीं लगता, आखिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर गौतम गंभीर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, खासकर विराट कोहली लिए काफ़ी बड़ी, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कोई चीज़ें हो, या अगर सिराज भी पाते तो विराट कोहली बहुत खुश होते, कोई भी एंगल प्लेयर पाता तो विराट कोहली वैसे बहुत खुश होते, सभी एंगल प्लेयर के लिए मोटिवेट करते हैं, उनके इंस्पायर करते हैं विराट कोहली। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि विराट कोहली को मैन ऑफ सीरीज मिल गया तो सिराज को नहीं चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर मिलता तो बहुत ज़्यादा खुश होते विराट कोहली भी। तो आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर।